नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बरसात में बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये फल के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। बरसात का मौसम आते ही कई सारी बीमारियां भी साथ लेकर आती है। बरसात के मौसम में ज्यादातर पानी से संबंधित बीमारियां होती है। ऐसे में आपको मानसून या बरसात में बीमारियों से बचने के लिए कुछ ऐसे फलों को सेवन चाहिए जिससे आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। बरसात में बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये फल। पपीता। पपीता सभी फलों में सबसे पसंदीदा नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें कई ऐसे स्वास्थ्य गुण हैं जो इसे अन्य फलों से आगे रखता है। यह पाचन में सुधार लाने, दांतों को राहत, प्रतिरक्षा में सुधार और हृदय स्वस्थ रखने में मदद करता है। इस हर मौसम में खाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यदि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो नियमित रूप से सेवन कीजिए। नाशपाती। विटामिन, खनिज, एंजाइम और घुलनशील फाइबर हमारे शरीर के लिए बेहद ही जरूर फल है। बरसात के मौसम में लोग इसका ज्यादा सेवन करते हैं। बरसात के मौसम में नाशपाती खाने से बीमारियां दूर भागती हैं। वजन घटाने, पाचन में सुधार, हृदय स्वास्थ्य में सुधार, रक्तचाप को कम करना आदि चीजों में नाशपाती फल बहुत ही काम का फल है। जामुन। बरसात में बीमारियों से बचने के लिए जामुन फल की कोई तुलना नहीं है। काले काले रसीले जामुन फल में बहुत कम कैलोरी होती है। यह पेट में दर्द, मलजल और मूत्र संबंधित विकार को दूर करने में मदद करता है। यह हृदय, मधुमेह, अल्सर, दस्त, यकृत जैसे कई स्वास्थ्य समस्याओं को कंट्रोल करता है। बरसात में बीमारियों से दूर रहना है तो इसका नियमित रूप से सेवन कीजिए। केला। केले में ढेर सारा विटामिन और मिनरल होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, लोहा, फोलेट और नियासिन से भरपूर केला वजन घटाने, मोटापे को कम करने, आंत्र विकारों का इलाज, कब्ज से राहत देने में मदद करता है। इसे बरसात के मौसम खाना चाहिए। अनार। अनार विटामिन का अच्छा स्रोत है, विशेष रूप से विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है। अनार के रस में उच्च स्तर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसका सेवन न केवल सेहत को बल्कि चेहरे में निखार और सुंदर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। सेब। मानसून में बीमारियों से बचना है तो रोजाना सेब का सेवन करना चाहिए। सेब एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेनोनोइड्स और डायटी फाइबर में बेहद समृद्ध हैं। सेब कैंसर, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग के विकास के जोखिम को कम करने में मदद करता है। लीची। चेहरे पर निखार लाने वाला लीची फल को आप मानसून में सेवन कीजिए, बहुत ही मदद मिलेगा। विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर लीची मधुमेह, सूजन और तनाव में बहुत ही काम का फल है। उद्धरण चिन्ह। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।